साथियों, मुंबई को अवसरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। जो भी यहां आया है, यहां से बहुत कुछ पाया। ये इस धरती की महानता है। मुंबई में बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल है। मुंबई में इनोवेटिव वेंचर कैपिटल है और मुंबई भारत की स्ट्रांग फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मुंबई में भारत के बेहतरीन मस्तिष्क, ह्यूमन कैपिटल देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। मुंबई के इनोवेटिव वेंचर कैपिटल होने की वजह से दुनिया भर के निवेशक यहां आना और निवेश करना चाहते हैं। और आजादी के बाद मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। जब ये तीनों कैपिटल आपस में जुड़ती है तो अभूतपूर्व शक्ति का निर्माण होता है। ये शक्ति को मजबूत करने का काम पिछले 5 साल में महायुति की सरकार ने, देवेंद्र जी की सरकार ने किया है। वरना याद करिए, पहले क्या स्थिति थी। कांग्रेस एनसीपी के शासन में मुंबई के विकास से ज्यादा, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मंत्रालय के स्ट्रक्चर पर फोकस होता था। कौन सा सीएम, कौन सा मिनिस्टर कब बदल जाए और किसकी लॉटरी लग जाए, इसी कयास और प्रयास में इनके 5 साल बीत जाते थे। लेकिन महायुति ने 5 साल का कार्यकाल यशस्वी रूप से पूरा करने वाला मुख्यमंत्री दिया है। और ये भी करीब करीब 50 साल के बाद हुआ है। इसके पहले 50 साल तक किसी को भी 5 साल महाराष्ट्र की सेवा करने का सद्भाग्य नहीं मिला है। तू जा मैं आता हूं, तू जा मैं आता हूं, यही चलता था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने स्थिरता को चुना, आपने एक मजबूत और ईमानदार सरकार को चुना। साथियों, आपने महाराष्ट्र ने कई भ्रष्ट सरकारों का दौर भी देखा है और अब भरोसेमंद सरकार का भी दौर देख रहे हैं। याद करिए, उन्होंने हमारे वीर सैनिकों के परिवारों तक को नहीं छोड़ा। आदर्श की बातें करते हुए उन्हें ही धोखा दे दिया। इन भ्रष्ट सरकार के तरीके भी भ्रष्टतम रहे। परियोजनाओं को लटकाकर उनसे पैसा निचोड़ा, मुद्दा बनाकर लोगों को भरमाया। वहीं फडणवीस जी की ईमानदार और भरोसेमंद सरकार महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति दे रही है ताकि आप लोगों को सुविधाएं जल्द से जल्द मिले, आपकी ईज ऑफ लिविंग बढ़े।